अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन अपनी एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर हूँ। क्रिकेट से जुड़ी मजीद खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्पोर्ट टीके को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान आखिरी टेस्ट मैच के पहले रोज कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका की टीम को पवेलियन भेज दिया। जा रहे टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका के कप्तान डैन एल्गर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया तो मोहम्मद अब्बास ने इब्तदाई ओवर में प्रोटीज कप्तान को पवेलियन की राह दिखाई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से हाशिम आमला ने 41, मैक्राम ने 90, डी ब्रायन ने 49, जुबैर हमजा ने 41, बोवामा ने 8, डी कोक ने 18, फ्लैंडर ने 1, रबादा और ओलिवर ने 0-0 पर आउट हुए, जबकि डेल स्टेन 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद आमिर ने 2, मोहम्मद अब्बास ने 2, मोहम्मद हसन अली ने 2, फहीम अशरफ ने 3 और शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की। और इस तरह जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 262 रन पर आउट हो गई। इब्तदाई 2 मैचों में शिकस्त के बाद सीरीज हारने के बाद अब पाकिस्तान को वाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश है, जिसके लिए कौमी टीम ने भरपूर पुरअज़म कर रखा है कि ये टेस्ट हर हाल में जीतेंगे। तो दोस्तों, ये थी अब तक की हमारी वीडियो। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।